हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए, जो ये टेस्ट देने वाले हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो लोग देने वाले हैं उनके लिए है। ये हमारा हिंदी लैंग्वेज का जो पार्ट है, यानी कि हमारा सेक्शन जो है 1A और B, 1A में हमारा हिंदी आता है, तो ये उसी का हमारा पार्ट चल रहा है। तो आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो है सही शब्द का चयन, यानी चूज द राइट वर्ड। ये क्या होगा, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कभी कभी सोचते हैं कि इस जगह हम अगर ये शब्द लगा देते तो शायद हम अपनी बात को उचित तरीके से समझा पाते, सही तरीके से समझा पाते। तो यहाँ पे हमें समझाना किसको है, हमारे एग्जामिनर को, यानी कि जो हमारी कॉपी को चेक करेगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से पूछे जाएंगे वो हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या चीज़। तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि हम फिलअप्स भरते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, उसी तरीके से ये आएगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये दो तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, वो पूछने का तरीका क्या है वो भी हम बताएंगे। तो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना एक प्रकार का परीक्षण है, जिसमें एक शब्द या दो या तीन शब्दों को एक वाक्य से हटा दिया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें से कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया है बीच में से, और आपको दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना होगा ताकि वाक्य व्याकरणीकरण और प्रासंगिक रूप से सही हो। यानी कि क्या होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, उस सेंटेंस में एक या दो या तीन वर्ड्स हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और अब आपके सामने नीचे कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, अब आपको उस जगह पे सही शब्द चूज करके लिखना है। लिखते समय ये ध्यान रखना है व्याकरण के आधार पर वो शब्द सही लिखने होने चाहिए, और जब आप उस सेंटेंस को पढ़ें तो उसका सही अर्थ निकले, ये भी जरूरी है। वाक्य के मुख्य विचार और वाक्य की तार्किक संरचना को समझने की आपकी क्षमताएं भी हैं, यानी कि इसके जरिए जो आपका परख की जाएगी कि आप वाक्य को कितने सुंदर तरीके से बना सकते हैं, आपकी तार्किक शक्ति कितनी है, आप वाक्य की संरचना कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये आपका परीक्षण होगा। इसमें नीचे कुछ निम्नलिखित उपयोगी सुझाव दिए गए हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, यानी कि इन रिक्त स्थानों, यानी कि सही शब्द का चयन करने के तरीके में आपको कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्या है वो, ये सलाह दी जाती है कि विकल्पों को सीधे ना देखें, सबसे पहले प्रत्येक वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सोचें कि क्या शब्द किसी दिए गए रिक्त को उचित रूप से फिट बैठता है। कहने का तात्पर्य है कि आपको सीधे ऑप्शंस नहीं पढ़ने, सबसे पहले जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको उस शब्द का चयन करना है जो उस जगह एकदम सटीक बैठे और अर्थ भी सही निकले। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक वाक्य दिया गया उस जगह आप वाक्य को फिट करके बैठाते जाइए और वाक्य को पढ़ते जाइए, जो सही होगा, सही अर्थ दे रहा होगा, वही सही मायने में सही चूजिंग होगी आपकी। इस तरह आप वाक्य में निहित अर्थ, स्वर और संदर्भ को पकड़ते हैं और रिक्त स्थान का भरना आसान हो जाता है। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो है वाक्य को सही तरीके से पढ़ना, पढ़ने के बाद फिर विकल्पों में से आपको सही शब्द का चयन करके वहां पर लिखना है। और ये भी ध्यान, इससे क्या होगा आपके लिए, ये हेल्पफुल रहेगा कि आप उसके प्रसंग को नहीं बदलना पाएंगे, यानी कि जो भाव उसके अंदर से निकल रहा है वो बदलने नहीं पाएगा। जब आप विकल्पों पर ले गए तो सुनिश्चित करें कि आप उस विकल्प का चयन करें जो उस शब्द को बदल देता है जिसे आपने शुरू में सोचा था। सुनिश्चित करें कि वाक्य का अर्थ बरकरार है। एक बार जब आप संभावित विकल्प रख देते हैं तो जांच लें कि वाक्य एक प्रशंसनीय अर्थ देता है। अब क्या होता है, हमको कभी कभी लगता है हमने एक शब्द चूज किया और उस जगह पर रखा तो हमें लगा यार ये सही नहीं लग रहा है, अब इसकी जगह हम कुछ मतलब वाक्य बन नहीं रहा है, कुछ सही नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आप जाहिर सी बात है जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो आपको लगभग थोड़े से सिमिलर दिए जाएंगे, है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो उस कंडीशन में आपको
होल्ड पे भी एक या दो शब्द रखने हो, एक तो सबसे सटीक लग रहा है उसे उठाओ पहले रख दो, अगर वो सही बनता है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड जो आपने होल्ड पे रखा था वो उठाओ उसको रखो उस पे फिर वाक्य को पढ़ो वो सही लगता है। तो आपको ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी एक दो बार। अब एग्ज़ाम में तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने हैं तो इसमें हमें पता है, तो उसकी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उस जगह हमारे पास जो है समय वेस्ट नहीं होगा हमारा। तो ये प्रैक्टिस सेशन भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में जैसे MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिस तरीके से पूछे जाएंगे उसके लिए हम लेकर आएंगे। बस थोड़ा सा वेट करिए, हम लेकर आते। तो अभी जो मैंने आपको समझाया या इससे पहले जो समझा चुकी हूँ या बाद आने वाले और भी टॉपिक समझाऊंगी या और भी सब्जेक्ट्स हैं ऐसी UT के, तो ये सब आपको मिलेंगे कहाँ, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ देखोगे CUET दिया है, बस इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही CUET में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, बस आपको उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होता है, मतलब उसमें पहले ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लेलिस्ट आ जाएगी सारे जो जो लेक्चर्स उसके अंदर हैं, तो जो देखना है क्लिक करिए, वीडियो देखिए और फटाफट अपने एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।